सबके लिए दुआ कि आज का दिन आपके लिए बहुत मुस्बत साबित हो और आप आज के दिन कुछ बेहतर जो है वो अपनी ज़िंदगी में कर सकें, क्योंकि रब की तरफ से मौका मिला है, एक और नया दिन मिला है, तो इस नए दिन को अच्छे से जो है वो हमें यूटिलाइज़ करना है। बहुत सारे लोग हैं इस वक्त जो ऑफिस जा चुके होंगे और स्कूल्स बच्चे माएँ भेज चुकी होंगी, घर में होंगे, लेकिन जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं ना वो रोज़ इस बात से परेशान होते हैं कि जिन सड़कों से हम गुजरते हैं वहाँ गाड़ियों का बुरा हाल हो जाता है, जो सफ़र मिनटों में तय होने थे वो अब घंटों में तय होते हैं। तो सिर्फ आपके साथ ही ऐसा नहीं है, हमारे साथ भी ऐसी सिचुएशन है। कराची जहाँ लोग जो लोग कराची में पैदा हुए मुझ जैसे लोग, उनका बड़ा दिल दुखता है जब वो इस तरह की चीज़ें देखते हैं, लेकिन इंशाल्लाह इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा और चीज़ें इंशाल्लाह काम करेंगी और तब्दीली जो है वो वाली तब्दीली नहीं, इमरान खान वाली तब्दीली, ये ओरिजिनल तब्दीली है जो ऑन ग्राउंड आएगी और उसे हम सब मिलकर इन्जॉय करेंगे। एक ऐसी शख्सियत जो इस वक्त न्यूज़ की जीनत बने हुए हैं, बहुत रेलिवेंट पर्सनालिटी हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। गो के मेरा प्रोग्राम मॉर्निंग शो है और मैं कोशिश करूँगी कि इस सियासी शख्सियत से जो है वो गैर सियासी गुफ्तगू हो, लेकिन ये जो सड़कों का हाल है इस पर तो बात करनी ही पड़ेगी। और इनमें और मुझ में एक बात बड़ी कॉमन है, वो ये है कि ये भी बीवी से मोहब्बत करते हैं और मैं भी बीवी से बहुत मोहब्बत करती थी और मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे इतना मौका मिल सके कि मैं उनसे मिल सकूँ, उनको इंटरव्यू कर सकूँ, लेकिन शायद ये नसीब में नहीं था, ये नहीं हो सका। लेकिन ये बीबी के ज्याले हैं, इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बहुत खिदमत की है, बहुत सर्व किया है और अब भी माशाल्लाह से ये अपनी आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं। मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट सिंध हैं सैयद नासिर हुसैन शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, फाइन, बिल्कुल। सर कहते हैं शाह, जितनी शाह होते हैं उनकी तो दुआएं लेनी चाहिए, तो पहले तो आप मुझे दुआ दे देना यहाँ बैठे। अल्लाह आपको सदा खुशी रखे, सुखी रखे, खुश रहे, आबाद रहे। सर हमारे तो सिंध में जो है मुराद अली शाह, फिर माशाल्लाह से कायम अली शाह, उनकी तो क्या ही बात है। सर मैं इंतज़ार में हूँ आपसे मिलने के, और फिर आप भी शाह, तो फिर मतलब हमारा जो इस वक्त सिंध है वो तो जितने शाह हैं उनके इस वक्त उसमें है सरपरस्ती में, तो मतलब आने वाला मुस्तकबिल फिर अच्छा होगा या सिर्फ दुआओं वाला ही होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल सब दुआगू हैं और सैयद दुआ करते रहते हैं सब लोग जितने भी हैं, और इंशाल्लाह सिंध हमेशा सुखी रहेगा, आबाद रहेगा। सर वैसे कहते हैं अल्लाह ने बंदे को दुआ करना तो सिखाया, लेकिन जो नसीब होता है ना उससे भी मेहनत की बड़ी ज़रूरत होती है, उसके बगैर काम होता no नहीं है, है ना? इसमें तो कोई सर कितनी मेहनत हो रही है, कितना काम हो रहा है? देखिए अब आपके सामने जो चीज़ें आपने बताई, कहा तो आपने था कि ये बिल्कुल सियासी प्रोग्राम नहीं होगा सर, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा लगता नहीं है, ऐसा लगता है। तो आपके सामने है कि इस वक्त कराची शहर में, सिर्फ वैसे तो पूरी सिंध में, लेकिन कराची शहर में 22 बड़े प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, और उसके अलावा छोटे छोटे रस्ते दूसरी जगहों पे भी अलहदा से काम हो रहा है। 22 तो बड़े प्रोजेक्ट हैं जिन पे काम हो रहा है और जिसमें मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, सड़कें, ब्रिज, अंडरपास, लोगों की फैसिलिटी के लिए वो लोग बनाए जा रहे हैं। और चीफ मिनिस्टर साहब, आपने देखा होगा कि दिन में रोज डेली कहीं ना कहीं विजिट करते हैं, और विजिट करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको ये महसूस हो कि उनके ऊपर चेक और बैलेंस है, अदरवाइज कोई चेक नहीं। आपने देखा होगा कि कई हमारे यहाँ के जो मंसूबे थे, जो प्रोजेक्ट थे, बड़े जेरे इल्तवा रहा उनका काम, उसकी वजह ये थी कि जो टाइम लिमिट होती है उसमें वो कम्प्लीट नहीं होते। अब उनके ऊपर ये सीएम साहब आपको दिन को भी, रात को, लेट आवर्स में भी विजिट करते हुए नजर आएंगे, तो सबकी ड्यूटी। और इसकी वजह क्या है? एक तो सीएम साहब खुद बहुत एक्टिव हैं, दूसरे हमारे जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने फोकस किया, उन्होंने कहा कि इस वक्त हमारी गवर्नमेंट सिंध में है, हमने वहाँ पे परफॉर्म करना है और डिलीवर करना है, ठीक है, और कराची जो शहर है उसको उन्होंने मुकम्मल तौर पर फोकस किया है कि कराची को सारी दुनिया देखती है, और जब यहाँ पे हमारी डिलीवरी बेहतर होगी, परफॉर्मेंस अच्छी होगी, तो लोगों को नजर आएगा कि भाई सिंध गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कुछ कर रही है। अच्छा चले जनाब, पीपल्स पार्टी एक अरसे से सिंध में है, सिंध में हुकूमत भी कर गया है, लेकिन इंशाल्लाह अभी हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाली चीजें बेहतर होंगी। सर ये बताएं, आर यू अ मॉर्निंग पर्सन? सुबह उठ जाते हैं आप जल्दी?
पहले तो नहीं उठता था, जब से मुराद अली शाह साहब ने 9 बजे का टाइम रखा है तो सब उठ जाते हैं, सब उठ जाते हैं। अच्छा तो लाइफ में कहते हैं ना फिटनेस बड़ी जरूरी होती है, और मैंने आपको बहुत, मैं आप फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ एंड वेरी फिट, मैंने आपको देखा बड़े फिट हैं आप। तो सर क्या ब्रेकफास्ट वगैरह पूरी रूटीन को फॉलो कर रहे होते हैं? हमारे मिनिस्टर्स इतने टाइम मिल जाता है उनको अपनी रूटीन को फॉलो करने का? रूटीन बिल्कुल भी फॉलो नहीं होती। अच्छा। जो भी पॉलिटिक्स में है, मिनिस्टर तो अपनी जगह पे, हमारे MPAs या जो भी हमारे कारकुन हैं या दीगर पार्टियों से जो भी वाबस्ता हैं, बहुत मुश्किल होता है कि वो रूटीन को बरकरार रखें। तो हमारे यहाँ बहुत कम लोग हैं जिनकी मिसालें दी जा सकती हैं कि जी वो मतलब इक्का दुक्का कि जी ये बड़ा रूटीन है, नाश्ता टाइम पे, दोपहर के बाद सोना भी है उसने, रात को भी जल्दी डिनर करना है और सोना है, ये इक्का दुक्का लोग हैं। अदरवाइज मोस्टली सब लोगों की कोई रूटीन नहीं है, क्योंकि हम 24/7 होते हैं, 24/7 आपको काम, तो काम है, किसी का भी काम आता है, सब पॉलिटिशियन। वैसे अपने आप एक होता है कि मैं अपना ख्याल रखूं, टाइम मिल जाए तो मैं जिम कर लूं, एक्सरसाइज कर लूं, इतना मौका कभी लाइफ में मूड होता है? बिल्कुल, मैं बाकायदगी से एक्सरसाइज करता था जॉगिंग या जो भी आप कह लें, लेकिन अब वो ट्रेडमिल जो है वो रखी हुई है इधर कराची में भी और हमारे रोड़ी में भी। हाँ। लेकिन ये है कि वो आप समझ लें कि हफ्ते 10 दिन में एक दिन मौका मिलता है उस पे उसको यूज करने। इज्जत बख्शा जाता है। सर पैदाइश कहाँ हुई आपकी? मैं डिस्ट्रिक्ट सखर से ताल्लुक है मेरा, और लेकिन मैं पैदा जो हुआ हूँ वो खैरपुर शहर में हुआ हूँ, हमारे अजीज से वहाँ पे घर है शहर में, बिल्कुल खैरपुर मीरस वहाँ पे, लेकिन मैं बिलोंग सखर और रोड़ी से करता हूँ, और मेरा जो गांव है उसका नाम है त्रिघाटी, जो बाकी रोड़ी शहर में रहते हैं हम लोग, पला बड़ा में वहीं पे। अच्छा, तो कितने बहन भाई हैं सर? 2 भाई हैं, एक बड़े भाई हैं मेरे और एक बहन। अच्छा, तो सर आप कहते हैं कि उम्र के किसी भी हिस्से में पहुंच जाए इंसान, लेकिन वो जो अंदर का वो बच्चा होता है ना, दिल तो बच्चा है जी, राहत फतेह अली खान वाला जो गाना है वो बेहतरीन है, सो वो अभी मौजूद है अंदर, वो याद आता है कभी कभी, या मिनिस्टर बनने के बाद आपको प्रोफाइल ऐसा मिल जाता है कि आप अपनी शख्सियत को पीछे छोड़ देते हैं और अब आप कहते हैं कि नहीं, अब मैं इस प्रोफाइल को मेंटेन कर रहा हूं, तो अब क्या उन तमाम चीज़ों को याद रखें? देखिए वो टाइमिंग्स होते हैं, औकात होते हैं, किसके साथ बैठे हैं जी, किसके साथ बैठे हैं ये। अच्छा। तो आजकल मैं बिल्कुल बच्चा बन जाता हूँ। Okay. लेकिन अपने पोते के साथ, पोती के साथ और अपने नवासे के साथ। अच्छा माशाल्लाह, तो मतलब दादा भी बन चुके हैं? नाना बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। लेकिन सर आप माशाल्लाह से तो फिर तो आपने बहुत ही मेंटेन किया है, मैं अगर ये कहूँ कि ये तो फिर आप टिप्स दें मेरे देखने वालों को। बिल्कुल, किसी मॉर्निंग शो में सिर्फ टिप्स के लिए बुलाइएगा। चलो आप फिर तैयार है, मैं आपको अगली बार स्टूडियो में बुलाऊंगी और आप टिप्स शेयर कीजिएगा कि ऐसा क्या है कि माशाल्लाह से आपने अपने आप को बड़ा अच्छा मेंटेन। सर अगर थोड़ी सी हम बचपन की बात करें, आपको लेकर चले, तो सर आज भी माशाल्लाह से जिस तरह आपने कहा कि मौका मिलता है तो मैं अपने बचपन को याद करता हूँ अपने पोते पोतियों के साथ, तो सर शरारतें भी की, मारें भी खाई अम्मा अब्बा से, ये सब हुआ एक आम बच्चे जैसा बचपन गुजारा? असल में थोड़ा सा लाडला सा था। अच्छा, तो मारे मारे नहीं, और एक थप्पड़ याद है अम्मी का। ओके। उन्होंने एक दफा थप्पड़ मारा था बस। अच्छा। और बाकी कभी कोई इस तरह का नहीं हुआ। तो आपने कभी शरारत नहीं की मैं दरख्त पे चढ़ जाऊं या किसी के घर की बेलें बजा के भाग गया, ऐसे कोई गाना? ऐसा सीन ऐसा ज्यादातर नहीं था, जरूर थोड़ा बहुत तो किया होगा, इसमें तो कोई वो नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं किया कुछ, लेकिन कोई इतनी बड़ी शरारतें नहीं, दरख्त पे चढ़ना वरना बचपन से ही नहीं है, बचपन से बड़े तरीके से जो है वो जी बिल्कुल अपनी लाइफ को जो है वो गुजारा है। तो सर उसके बाद सखर में जिस तरह आपने कहा डिस्ट्रिक्ट से, उसके बाद देन आपकी तालीम और ये तमाम प्रोसीजर वही हुआ उसी जगह पे? बिल्कुल, वहाँ पे हमारा सेंट सेवियर्स स्कूल था, KG से लेके वहाँ मैट्रिक किया, फिर ग्रेजुएशन जो है वहाँ के जो लोकल कॉलेज थे वहाँ पे किया, फिर मैंने MA भी किया है जो यूनिवर्सिटी हमारी खैरपुर की। सर ये वो तो नहीं है डिग्री तो डिग्री होती है? कुछ ऐसा ही है। कुछ ऐसा ही है, डिग्री तो डिग्री होती है, लेकिन क्या है कि हम शुरू से ही जो थे ना एक पढ़ाकू किस्म का माहौल मिला था। ओके। और ये जो असल जो हमारा प्रॉब्लम हुआ क्रिएट इस पे, ये जो नकल जिसको कहते हैं चीटिंग, और ये डिग्रियां जब से ये हुई, ये हमारे लिए एक नासूर समझते हैं सिंध के लिए, और हमारे तालीमी निज़ाम को तबाह कर दिया गया, हमारी नासूर तो फैल चुका है, मेरिट की धज्जियां उड़ा दी गई, और जो पहले ये बिल्कुल नहीं होता था इस तरह का, ये देखें जी कितने बड़े ओहदों पे लोग बैठे हैं, और बहुत न सिर्फ सरकारी ओहदों पे
प्राइवेट तौर पे भी बड़े अच्छे चलाते हैं अपने इदारे, वो सब आम स्कूलों से पढ़े हैं। उस वक्त कौन से होते थे कहाँ पे उससे ग्रामर या ये तो यहाँ पे होते थे ना, हमारे इंटीरियर में कहाँ से ये स्कूल थे, वो ही सरकारी स्कूल जो है उस पे पढ़ते थे और उनकी इतना स्टैंडर्ड होता था कि वो अभी। तो सर वो आप ये फिर एक्सेप्ट करें ना कि अब उन सरकारी स्कूलों में वो उस्ताद नहीं, वो माहौल नहीं कि आज का बच्चा वैसे पढ़ाई कर सके। बिल्कुल सही कह रही हैं, आज तो तबेले बनाया हुआ इन्होंने स्कूल। देखिए ये भी एक परसेप्शन बन गया है, हालांकि जितना सरकारी स्कूलों पे अखराजात होते हैं, जितनी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं और जितनी तनख्वाह सरकारी टीचर को मिलती है वो प्राइवेट में नहीं मिलती। ये पहले ये तासुर था कि जी प्राइवेट वाले स्कूल जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा वो देते हैं, ये नहीं गलत है। कहीं कहीं इक्का दुक्का कोई बहुत बड़े जो इदारे हैं मे भी वो देते हों, अदरवाइज जो तनख्वाह है वो सरकारी जो टीचर है उसको ज्यादा मिलती है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी नहीं करते, वो अपनी ड्यूटी मोस्टली लोग उनको डर खौफ नहीं ना, मोस्टली अभी देखें जब से ये सिस्टम अभी आया है बायोमेट्रिक का, और हमारे जो कुछ अरसे से सेक्रेटरी साहिबान रहे हैं या मिनिस्टर, उन्होंने बहुत काम किया, अभी आपको काफी बेहतरी मिलेगी तालीम। बिल्कुल, उसकी वजह से गोश्त मुलाजमीन वाला भी सारा गोश्त मुलाजमीन वाला। और फिर अब जो हुआ है कि इस दफा अभी ये जब से ये टेन्योर शुरू है तो 12,000 या 14,000 टीचर्स की रिक्रूटमेंट हुई है, मेल फीमेल की, सब NTS के थ्रू, एक भी उसमें ऐसा नहीं है कोई सिफारिशी आया हो। अगर आपको कहा जाए, मौका मिले कि आपने जाके किसी पार्टी में किसी शख्सियत को दावत देनी है कि आइए और आकर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करें, वो कौन सा ऐसा लगता है आपको, लगता है कि मैं जाके इस शख्सियत को जो है ना मैं कन्विंस कर सकता हूँ, अपनी तरफ ला सकता हूँ, कौन से ऐसे मुख्तलिफ दूसरी पार्टी के लोग? देखिए सब लोग जो भी लोग अच्छा काम करते हैं हम सबके लिए चाहते हैं वो हमारी पार्टी में है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमहूरी पार्टी है जिसकी लीडरशिप की भी कुर्बानी है, आपने अभी जिक्र किया था बीबी का, तो हमारी मोहब्बत हमारी तो अकीदत है उनके साथ, और अब उनकी लेगेसी उनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, और वो भी माशाल्लाह लोगों में हम देखते हैं कि उनके लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत और एक अकीदत। मैं भी यही जिक्र भी गई थी आप कहने से पहले कि अगर ये होती तो शायद आज मैं भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा। हम अभी भी आपको दावत देते हैं, बल्कि आप कहेंगे तो हम आपके घर आके आपको दावत देंगे, आप जैसे टैलेंटेड अच्छे लोगों की तो ज़रूरत है हमारी पार्टी को। सर ये तो बड़ी अच्छी बात की, लेकिन डेफिनेटली जब लोग सर्व करते हैं तो लोग खुद उनकी तरफ आते हैं। सर टाइम जब मिलता है लाइफ में, शौक है म्यूजिक सुनने का या पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री ने बड़ा रिवाइव किया और बड़ी अच्छी फिल्म बन रही है, तो आपको मौका मिला कभी कि मैं जाके कराची का सिनेमा देख कर आऊँ? किस तरह देखिए एक बिल्कुल जहन से बात निकाल देनी चाहिए कि जो जो मिनिस्टर बनते हैं चीफ मिनिस्टर या पॉलिटिक्स में होते हैं वो कोई पता नहीं कोई अजीब सी मखलूक हो जाते हैं। सर एक मिनट यहाँ मैं रुकूंगी, सुन तो ले। हम जब गुजर रहे होते हैं और मिनिस्टर ने गुजरना होता है तो हमें नॉट अलाउड होता है कि इस रोड से आप नहीं जा सकते, आप यही रुक जाए मिनिस्टर गुजर रहे हैं। ऐसा तो सर हम ये कैसे सोचेंगे कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ मिनिस्टर भी जाते हैं? ये बिल्कुल परसेप्शन गलत है, बल्कि अब ये आपने देखा होगा कि मुराद अली शाह साहब तो प्रोटोकॉल इसको बहुत कम से कम यूज करते हैं, लेकिन कहाँ पे ज़रूरत होती है? आजकल के जो माहौल है जो ये हालात क्रिएट हुए हैं तो इसमें उनको ज़रूर सिक्योरिटी रीजंस होते हैं, वो भी सीएम या बाकी। तो हम लोग आम घूमते हैं, कभी कराची के बस में सफर किया आपने? ये जो बसें चल रही होती हैं इनमें कभी आप बैठे हैं या रिक्शा में बैठे हैं आप कराची के? नहीं मैं नहीं बैठा, काली पीली टैक्सी में जरूर बैठा हूँ, लेकिन रिक्शा और बस में बैठ के आप चाहे अपनी पूरी टीम के साथ ही बैठे, एक बार सफर तो करें, आपको पता तो चले लोग कैसे बसों में सफर। आप सही कह रही हैं, बहुत बुरा हाल है इनका, जो हमारी जो ट्रांसपोर्ट जहाँ पे चल रही है उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से, जो मैं मान रहा हूँ इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हमने कोई अच्छी ट्रांसपोर्ट इंट्रोड्यूस नहीं कराई, लेकिन अब हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं मुख्तलिफ जिसमें एक KCR है, कराची सर्कुलर रेलवे को रिवाइवल है, फिर हमारी जो BRTs चल रही हैं, ग्रीन लाइन फेडरल गवर्नमेंट बना रही है इसको ऑपरेट हम करेंगे, और फिर हमारा जो पहले जिसका नाम ऑरेंज लाइन था फिर उसका नाम एधी लाइन रख दिया गया है, वो काफ़ी हद तक बन चुकी है। इसी तरह हमारी येलो लाइन, ब्लू, रेड मुख्तलिफ लाइन्स हैं जो पूरे कराची में उनका एक फैला हुआ जाल फैला हुआ है। ये जो सफरी सहूलियात ये बड़ा मुश्किल उठो ये पूरी है। करने तो दे ना बात मुझे कब कब हम इससे मुस्तफीद हो सकेंगे? जी बिल्कुल, इसमें ये है कि ये सारी चीजों में जाहिर है टाइम लगेगा, ठीक है।
तो आपको जल्द से जल्द मुस्तफीद करने के लिए कि आप इससे इस्तफादा हासिल करें और आपको इससे फायदा हो, तो वो सिटी सर्विस बस सर्विस शुरू कर रहे हैं। एक और सवाल। जी जी, मैं बिल्कुल सियासी पॉलिटिकल शोर नहीं कर रही, लेकिन सर ये कितनी बार हुकूमत, सिंध हुकूमत जो है, आप पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत में आ चुकी है, यहाँ सिंध को संभाल चुकी है, सर ये तीसरा चौथा टेन्योर है आप लोगों का? ये अभी भी काफी टेन्योर हो चुकी है और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी यही कहने रहेंगे। जो आप कुछ कहना चाह रही है, लेकिन ऐसी बात नहीं, बहुत काम हुआ है सर, बहुत सारा, लेकिन इस तरह का काम करने की अभी बहुत जरूरत है। ठीक है, अब ये देखें, हर तौर पे पीपल्स पार्टी जब हुकूमत शुरू वाली आई, ये शारा फैसल, ये दूसरी चीजें, ये पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने बनाई। प्रायोरिटी हर वक्त की अपनी अपनी होती है, कभी आपको रोड चाहिए होता है, कभी आपको ओवरहेड ब्रिज चाहिए होता है, कभी आपको अंडरपास होता है, पहले दूसरी ट्रांसपोर्ट इंट्रोड्यूस कराई जाती है, अब माहौल जैसे एडवांस होता जा रहा है तो BRTs आ गई हैं, दूसरी मोनो रेल आ रही है, दूसरी चीजें आ रही हैं, तो वक्त के साथ साथ लेट जरूर हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह इस पर अभी अमल होगा और सिटी सर्विस जो हम लोग शुरू कर रहे हैं जी, नहीं उम्मीद पे, लेकिन ये आप देखेंगी बल्कि आप इससे मुस्तफीद होंगी। बिल्कुल, मेरे तमाम देखने वाले होंगे और फिर हम दुआएं भी देंगे आप लोगों को। सर खाने पीने का कितना शौक है? बहुत फूडी हैं, बहुत ना, नहीं बिल्कुल हर चीज खाता हूँ और बड़े शौक से, अच्छी चीजें जो भी बनी हुई हो बहुत खाता हूँ, और लाहौर के खाने मुझे बहुत पसंद है, खास तौर पर नाश्ता जो है वहाँ का, ये मुर्ग छोले और अपना पावे और ये वो कुलचे नान, इस तरह की और सारी चीजें। राइट, बिल्कुल जबरदस्त। सर के इमोशंस पे बात करेंगे, जो कभी खुशी के होते हैं, कभी गम के होते हैं, कभी मोहब्बत के होते हैं, कभी नाराजगी के होते हैं, जुदाई के भी होते होंगे। इस ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान। नाज़रीन आप सबको खुश आमदीद कहते हैं, और आज के मेरे जो मेहमान हैं, बड़े ख़ास मेहमान हैं, सैयद नासिर हुसैन शाह साहब हैं, जो मिनिस्टर हैं ट्रांसपोर्ट के और मास ट्रांजिट सिंध के, इनसे गुफ्तगू हो रही है। सर एक बार फिर से आपको वेलकम करते हैं। सर आपने कहा कि मिनिस्टर जो होता है वो एक आम आदमी होता है, उसके भी वैसे इमोशंस होते हैं। सर ज़िंदगी में कहते हैं जिस तरह नफ़रत है, जिस तरह खुशी है, इसी तरह मोहब्बत भी है ज़िंदगी में, और जिस इंसान ने मोहब्बत नहीं की उसने आधी अधूरी ज़िंदगी गुजारी, ऐसे ज़िंदगी नहीं गुजरती। तो सर इस इमोशन को कितना एंजॉय किया है अपने अपनी लाइफ में? मुकम्मल तौर पर। सर पहली मोहब्बत याद है, स्कूल में किसी टीचर से हुई होगी, पहला क्रश? नहीं, कोई नहीं, अपनी बीवी से ही मोहब्बत। जिसको मोहब्बत आप कह सकते हैं ना, वो वही पे ही है। बाकी ऐसे अभी कोई भी चीज अच्छी तो लगती है, अगर अच्छी चीज हो तो अच्छी लगती है, ये और बात है, लेकिन आप जिसको अगर बिल्कुल परफेक्ट लफ्जों में और मीनिंग्स में मोहब्बत कहें तो वो आपको अपनी बेगम से मोहब्बत, फिर आपने जाके उनसे कहा, उनको इजहार किया कि आप जिस दिन पहले दिन देखा था शादी की रात, उस दिन उनको ये कहा था, क्योंकि पहले देखी नहीं थी वो। तो आपकी फैमिली से नहीं, आपके नहीं, हमारी अपनी फैमिली से है, लेकिन हम फैमिली में भी होता है ना, पर्दे का सिस्टम है, दूसरी चीज है। अरेंज मैरिज थी, लेकिन फिर वो लव मैरिज में तब्दील हो गई। ओके, अरेंज मैरिज को जो है वो आपने लव मैरिज किया, तो सर ने बहुत ही तरीके से जो है वो बचा के जो है इस सवाल का जवाब दे दिया। नहीं, मैंने सही जवाब दिया। अच्छा सर, वैसे ये आप बिलीव करते हैं कि इंसान को मोहब्बत हो जाती है? क्यों नहीं होती है सर, कितनी बार होती है? बार बार होती है, होके फिर खत्म हो जाती है। ये तो एक प्रोसेस है, मुसलसल चलने वाला, चलता रहता है। सही, और उसमें रिश्ते भी बदलते रहते हैं। ऑलराइट, अच्छा एक्सप्रेसिव कितना है? गुस्से का इजहार भी करते हैं? अच्छा मैंने आपके कुछ क्लिप्स भी देखे जिसमें आपने जो है वो जब ये हाईवे को सो कॉल्ड उन्होंने मोटरवे कहा, तो आपने कहा नहीं जी, इसको वाइट किया गया है और हम टोल को उखाड़ देंगे, तो ये तो ऐसे गुस्से का इजहार भी मैंने देखा। देखिए ये, क्योंकि उस वक्त ये सब लोग आए थे और वो बड़ा, दो चीज़ें थी उस वक्त, एक तो मोटरवे या जो भी कह लें जो बनाए, एक तो अप्रिशिएट करते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक चीज़ बनाई, अच्छी चीज़ है, उसको हम ये नहीं कहते कि उन्होंने गलत चीज़ की है, अच्छा काम किया, लेकिन वो मोटरवे नहीं है,
पूरे पाकिस्तान में जहां भी मोटरवे बने हैं वो नई अलाइनमेंट पे बने, नई जगह उनके लिए मुख्तस की गई है, और जो ऑलरेडी जो चलता था रोड, जिसको हाईवे कह लें, जीटी रोड है जैसे पंजाब में, वो अलहदा से अब भी यूज़ हो रहे हैं और बेहतर तरीके से हो रहे हैं। और ये जो भी ट्रांसपोर्टर हो या जो भी मुसाफिर हो या जो भी सफ़र करने वाला हो, ये इसका इख्तियार है कि वो मोटरवे पे जा रहा है या आम हाईवे पे जा रहा है, वो उसको अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये यही बात थी। और फिर उस वक्त ये हुआ था कि उन्होंने जो वैसे नक्शे में जो थे जहाँ से टोल इन्होंने लेना है, वो 18 वो थे कि 18 गाड़ियाँ गुजर आ जा सकती हैं, 9-9 दोनों साइडों से या जो भी है, तो एक रवानी रहती है। उस वक्त उन्होंने क्या किया कि फौरी तौर पर सिर्फ 4 लगा दिए और उससे लंबी कतारें लग गई। और जो एक असल फायदा होता है अच्छे रोड का कि आदमी जल्दी पहुँचता है, वो तो खत्म हो गया ना, कि आप उतना ही अरसा तो आधा घंटा पौना घंटा आप लोग रुक गए, क्योंकि जहां आपने 18 चलाना है वहां पे अगर 8 चल रहे हैं या 6 चल रहे हैं तो पूरी ट्रैफिक रुक जाती है। और फिर एकदम टोल लेना जो शुरू कर दिया, वो रेट उन्होंने रख दिए मोटरवे वाले, और वो भी उससे भी हाई करके, तो लोग सब शिकायत कर रहे थे। तो जाहिर है गुस्सा आ गया इस पे। गुस्सा नहीं आया, मैंने एक बात बोली। और दूसरा उसमें ये है कि जो ले रहे थे उनका कसूर इस वजह से नहीं है कि फेडरल गवर्नमेंट ने उनके साथ एग्रीमेंट किया, तो जो उनको ऑर्डर्स हैं वो उसको फॉलो करेंगे। उनके साथ वो एग्रीमेंट किया है, लेकिन हम उसको चैलेंज करेंगे कोर्ट ऑफ द लॉ में। जाहिर है एक तरीका होता है ना, अब ये हम जाके वहाँ पे मार धाड़ शुरू कर दें, उखाड़ पिछाड़ शुरू कर दें, तो नहीं। नहीं, मैं आपके उस बयान पे बोल रही थी कि आपने इतना गुस्सा नहीं आता, नॉर्मली इतना गुस्सा नहीं आता, आप कूल ठंडे मिजाज के हैं बहुत ज्यादा। सर, जिंदगी में अच्छे लोगों का साथ जो है वो इंसान की कामयाबी में कहते हैं बहुत खास किरदार अदा करता है, जिसमें मुख्तलिफ रिश्ते हैं, माँ बहुत साथ देती है, फादर का एक अहम रोल होता है, देन फिर आपका जब लाइफ पार्टनर आ जाता है आपकी बेटर हाफ, तो वो आपकी सपोर्ट बनती है। आपकी ज़िंदगी में ऐसे कौन से रिश्ते हैं, कुछ दोस्त ऐसे हों जिनको आपको लगता हो कि हाँ ये ना होते तो शायद मुझे मुश्किल होती आज यहाँ तक पहुँचने। देखें, माँ बाप की शफ़क़त, मोहब्बत, तरबियत, इसका तो बहुत अमल दखल है इंसान की ज़िंदगी में, और मेरे साथ बहुत अच्छा रहा। ज़्यादा दोस्ती अम्मा अब्बा से थी, दोनों से थी, अम्मा अब्बा से कम्फर्टेबल, अब्बा से ज़्यादा। ज़्यादा हाँ, और क्योंकि मैं थप्पड़ का जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन उनकी दुआएं, वालदा की दुआएं हैं जो मैं इस जगह पे पहुंचा हूं। वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं, प्यार करती हैं मुझे भी, जाहिर है। और ज़ाहिर है इसी तरह हमारी बेगम साहिबा भी हमारा ख्याल रखती हैं, हम भी उनका रखते हैं, लेकिन उतना नहीं रख सकते जितना वो मेरा रखती हैं। और फिर बच्चे, और फिर अब तो जो सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ें लगती हैं वो मैं जिक्र कर चुका हूँ, ये जो ग्रैंड चाइल्ड हैं वो ज़्यादा उनके साथ। तो अब जब भी मौका मिलता होगा तो आपको ये होता होगा कि मैं अपने जो है ग्रैंडचाइल्ड्स के साथ जो है कोशिश करूँगा। लेकिन होता ये है कि वो आज जो स्कूल गोइंग है वो जल्दी सो जाते हैं, जब मैं घर जाता हूँ तो वो सोए होते हैं, सुबह अर्ली वो चले जाते हैं, तो फिर कोई बीच में जाता हूँ तो वो सोए होते हैं, सुबह अर्ली वो चले जाते हैं, तो फिर कोई बीच में से भी निकालना पड़ता है। लेकिन ये जिंदगी की एक रौनक है ना, जो आपको मोटिवेट रखती है, ये अल्लाह का बड़ा करम है। सर, आपके कितने बच्चे? मेरे 5 बच्चे हैं, 4 बेटे, 1 बेटी। ओके, राइट। तो वो बच्चे भी सियासत की तरफ आए हैं, अब्बा को फॉलो करते हैं। एक बेटे को शौक है, वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर भी है, सक्कर का, उसको शौक है। बाकी एक बेटा मेरा बैरिस्टर है, और एक जो है वो जमींदारी और कारोबार वगैरह भी देखता है, एक अभी पढ़ रहा है लंदन में, छोटा छोटा जो है। सर, म्यूजिक और पोइट्री से कितना लगाव है? क्योंकि हमारे जो शाह साहब हैं, कायम अली शाह साहब, वो तो बड़े शेर सुनाते रहते हैं असेंबली में, तो आपने कभी असेंबली में कोई शेर देर सुना? कई दफा सुनाने की कोशिश की है, भूलने के डर से, जब बहुत याद हो तभी सुनाता हूँ, नहीं तो फिर लिख लिया करें सर, हाल ऐसा ही कुछ करेंगे, लेकिन म्यूजिक सुनता हूँ। अच्छा जी, बिल्कुल। सर, आप लोग सुनाया करें ना, फिर हमें कुछ मीडिया पर चलाने को मिलता है। हमारी आवाज ऐसी वो है कि जो कोई सुनने के वो नहीं है। सर, अभी आपकी आवाज, क्योंकि फोन पर जब आपसे कोऑर्डिनेशन हो रही थी तो सर आपकी आवाज से तो ऐसे ही लग रहा था कि कोई बहुत ही जबरदस्त जो है वो बेस है, और आवाज जो लोग अभी सुन रहे हैं वो भी इस बात का अंदाजा करेंगे। सर, कभी आपने को शौक नहीं हुआ कि मैं थोड़ा म्यूजिक की तरफ आऊँ, कभी गुनगुना लेते हैं? बड़ी कोशिश की, लेकिन जब रिएक्शन देखा सुनने वालों का, उस बात के बाद तौबा कर ली, और ये मुझे बहुत
आप भी कह रही हैं, दूसरे भाई भी जो थोड़ी देर पहले कह रहे थे, तो अक्सर लोग कहते हैं कि जी आपकी जो आवाज है तो बहुत, लेकिन ये भी कोई गलत ही है परसेप्शन। ये बोलने वाली आवाज और गाने वाली आवाज और होती है, जिसको सुना जाए और जिसको अच्छा कानों को लगे। तो हमारी आवाज गाने में तो बिल्कुल भी भली नहीं लगी। हमें क्या बता, आप हमें कुछ एक दो लाइनें कुछ गा के सुनाएंगे? मैं आपके थ्रू पूरे जो भी देख रहे हैं, इतना बड़ा नेटवर्क है आपका, लाखों लोग आपको देखते हैं, आपकी तो समा खराशी में कर दूं उनको मैं नहीं करना चाहता कि वो भी उनकी भी मैं कोई एक दो लम्हे खराब करूं। अच्छा चलिए, तो फिर हम ना समझे इस बात पे। लेकिन सर मेरे ख्याल कभी आप रेडियो करके ट्राई करें, रेडियो कर सकते हैं सर, आप ऐसे आवाज में आपकी वो वाली बेस है। ये आप कुछ ना कुछ करवा लेंगे मुझसे, मैं करके देखूंगा। सर आप लोगों का अपना रेडियो पाकिस्तान है सर, यहाँ से कुछ जो है वो फास्ट पर है। तो एफएम भी आ गया, एफएम भी आ गया। हाँ तो आप किसी दिन ट्राई कीजिएगा और मुझे हमें जरूर बताइएगा। हम ऑन एयर मैं मॉर्निंग शो पे अनाउंस करूंगी कि आप जो है वो रेडियो शो करने। जैसे सर कभी आपको शौक हुआ, अगर आपको लोग देख रहे हैं इस वक्त, तो जैसे आपकी पर्सनैलिटी है, माशाल्लाह से कुछ लोग होते हैं जिनकी आंखें बोलती हैं, और सर जो है उनकी आंखों में इस तरह की जो है वो एक कहना चाहिए एक तासीर है कि ये नज़रों से जो है वो बड़े अच्छे एक्सप्रेशन दे सकते हैं सर। अब ये पता नहीं ये भी आपको पहले किसी ने कहा है या नहीं कहा। सना क्या खा गया है सुबह सुबह? सर मैं बादाम अखरोट मिक्स जो ड्राई फ्रूट है वो मैं सुबह खाती हूँ। ये मेरी लगता है मैंने भी शुरू करने पड़ेंगे। नहीं सर मैं आपको बिल्कुल ठीक सच्ची बात कह रही हूँ, और ये भी कुछ कुछ लोगों के पास होती है ये चीज़, रब की ब्लेसिंग होती है कि वो आपको कुछ ऐसे खास फीचर दे दें जिससे आप बहुत स्ट्रांग जो हैं वो अपने एक्सप्रेशन का इजहार कर सकते हैं। तो सर अगर कोई अभी प्रोग्राम देख के आपके उस जो है हिस्से को जागर करना चाहे स्क्रीन पर, तो आपको एक्टिंग की बात कह रही हूं? नहीं बिल्कुल भी नहीं सर। फिल्म कर लें फिर अगर छोटे पर्दे पे नहीं आना चाहिए? नहीं एक्टिंग हो ही नहीं सकती, उसी वक्त हंसी आ जाएगी और वो डायलॉग वायलॉग भूल जाएगा। वैसे मैं जो मर्जी इस तरह मर्जी आप बोल लूं, सब कुछ कर लूं, लेकिन अगर आप उस लिहाज से करें तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन सर ये जो आप लोग शाम को प्राइम टाइम के शोज में कर रहे होते हैं, तो फिर ये क्या होता है? ये एक्टिंग नहीं होती, ये तो हम लोग वैसे सच में लड़ रहे होते हैं आप लोग? बिल्कुल, वो लड़ाई सच्ची होती है वो जो आप लोग आपस में लड़ते हैं? मैं तो कभी नहीं लड़ा किसी भी अपने टॉक शो में या जहाँ भी होता है। सर आपकी आवाज यहाँ से शुरू होती है तो अगले की वैसे ही दब जाती है। वो असल में होता है कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इरिटेट करती हैं, उस पे थोड़ा सा हो सकता है वॉल्यूम बढ़ जाए, लेकिन ये बहुत गलत बात है। हम रिवायत देखते हैं, मरने मारने पे तुल जाते हैं और एक दूसरे को उठा के कोई चीज मार देते हैं, गालम गलूज करते हैं। अभी तो आजकल आ रही है ना क्लिप्स, ये बहुत, एक जो भी जा रहा है जिसको टीवी शोज बुला रहे हैं वो जाहिर है उसका कोई ना कोई है, कोई प्रोफाइल है, किसी है सारा कुछ की पर्सनालिटी है। तो उनको उस चीज को मद्देनजर रखना चाहिए। right. जो लोग उनको अगर कोई इलेक्टेड है उसको वोट दे के भेजते हैं, वो उनका ख्याल रख ले कि भाई मुझे उन्होंने भेजा है, मेरा इम्प्रेशन क्या पड़ेगा उनके पास। और गाँव में देखते हैं घरों में माए बहने बेटियां सब देख रही होती हैं, और इस तरह की हम लोग जब बात करते हैं तो ये गलत बात है। पॉलिटिकल पर्सनालिटीज जो हैं इनको वैसे भी सब ठीक कह रहे हैं, कोई एक्टिंग या कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी स्टार्स बन चुके हैं, बड़े एक्टर होते हैं। हाँ बड़े एक्टर होते हैं, लोग ओरिजिनल एक्टर होते हैं। असल में आपने सही कहा, आप लोग एक्टिंग नहीं कर सकते क्योंकि ओरिजिनली एक चीज हो रही है। वैसे ही आप बोले सारा दिन झूठ बोलते रहते हैं। कहते सीधा सीधा कहते हैं आप वो अखरोट बादाम जो खा के आई है शहद में मिले हुए जी शहद। सर वो शहद थोड़ा कम अवॉइड बन गया है, ये मैं दो बार चला हूं। आज मुझे वक्त न्यूज के लिए बेशुमार ब्रेकिंग न्यूज मिली है। सियासतदान क्या होता है, ये सियासतदान कह रहा है, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैं तो एक आम बंदी हूँ सर, आम सी बंदी हूँ, आपसे सवाल पूछ रही हूँ। सर ये बताएं अगर आपसे पूछा जाए सर कि कोई ऐसा पॉलिटिकल पर्सन जिसको आप कहें कि भाई तुम तो जाओ जाके कोई काम वाम करो, सियासत तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो आप किसका नाम लेना चाहेंगे? अपना। सब अच्छे हैं मुझसे, तो मैं तो सबसे वो अपना ही कहूँ ना, किसी और को कहने की बहुत सेफ प्ले करते हैं, आपको प्लेयर भी होना चाहिए था। आप पाकिस्तान के लिए खेले सर, आप अभी आपको क्रिकेट, वैसे क्रिकेट का शौक है, स्पोर्ट्स का शौक है? नहीं शौक बहुत है लेकिन मैं कभी नहीं खेलता, मतलब खेलता हूँ तो जीरो पे आउट, और वो बल्ला घुमाता हूँ कोई जो कोई ख्याल करके अच्छी बॉल करा दे तो हो सकता है थोड़ी सी शॉट लग जाए, अदरवाइज वो भी नहीं लगे। अच्छा मैं कुछ दो तीन शख्सियात के नाम लूंगी और आपने उनको अपना जो भी जिंदगी का तजर्बा है आपने उनको अपने तजर्बे के हिसाब से कुछ मशवरे देने हैं, ठीक है? अब वो कुछ भी हो सकते हैं सर। सर मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
मौलाना साहब बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े अच्छे वो हैं, इतनी बड़ी पार्टी के वो सरबरा हैं। कोई एक मशवरा देना है आपने? दुआ किया करें पाकिस्तान के लिए। तो शाह तो आप हैं, दुआएं दुआ करें। मौलाना साहब हैं। अच्छा, इमरान खान साहब? इमरान खान साहब बस ये है कि सिर्फ एक चीज को फोकस ना करें और वो कोई जल्दबाजी ना समझें, और वो उनको लोग बहुत चाहते हैं। ठीक है, जाहिर है उनकी इतनी फॉलोशिप है, उनको वोट मिलते हैं। वैसे भी वो क्रिकेट में स्टार रहे हैं, उस वक्त हम भी उनको एक किस्म का अपने लिए स्टार ही समझते थे। वो बाद में पॉलिटिक्स में आके और फिर जिस तरह की वो एक जो तब्दीली वाली बात और ये जो लोगों को एक बदतमीजी का जो सबक सिखाते हैं बड़े अदब और एहतराम के साथ, मेरे लिए वो बड़े काबिल एहतराम है। तो उसमें थोड़ा सा वो एतदाल को जरा रखें। सर मीरा? मीरा की अल्लाह मियां जल्द शादी कराएगा, उसको मैं दुआ दे रहा हूँ दिल से। सर वैसे आप शादी की दुआ कराते हैं तो हो जाती है, तो फिर और बहुत सारे लोग हैं। वैसे मैं करता हूं तो कभी कभी लग जाती है, लेकिन वैसे भी होनी होती है तो मैं कह देता हूं ये मेरी वजह से हुई है। आप मेरा सिंध हुकूमत आपके शादी को स्पॉन्सर कर देगी, ये आपकी ज्यादा? बिल्कुल, थोड़ा बहुत स्पॉन्सर कर देगी। थोड़ा बहुत। और सर ने सेफ यहाँ पे भी सेफ प्ले किया है, तो मेरा जी आपकी शादी के लिए सिंध में भी दुआएं हो रही है। सर शेख रशीद साहब? शेख रशीद साहब जो है वो सिगार पीना कम कर दें, आजकल बड़ा वो है सेहत के लिए मज़र है। सर आप उनको एक्सरसाइज का मंच बनाएं, देंगे वे भागते तो वो बहुत अच्छे हैं। वो है थोड़ा सा स्पेल जो है ना वो जरूरी है। और आपके अपने आपके सीनियर लीडर हैं सैयद कायम अली शाह साहब, सर उनके लिए क्या कहेंगे? कायम अली शाह साहब बहुत ही सीनियर मेच्योर और एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है, और वो हम सब पर शफकत का हाथ रखें, और आप उनके एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं। जी बिल्कुल। सर ये जो हम बात कर रहे थे अभी मिनिस्ट्रीज के हवाले से, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह की चीज़ें करते हैं और मुख्तलिफ तरह के उनके कुछ ख़ास चीज़ें हैं जो सामने आती हैं। मैं सर से भी पूछूंगी कि सर को ख्वाब आते हैं, और अगर आते हैं तो क्या कभी लोगों से उसका जिक्र करते हैं? आफ्टर दिस ब्रेक मेरे साथ रहिएगा। सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान। नाज़रीन आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, और हमारे आज के ख़ास मेहमान जो हैं सैयद नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और मुख्तलिफ़ ज़ावियों से हम इनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। और मैं बड़ी शुक्रगुजार होती हूँ अपने मेहमानों की कि मैं तो हर तरह का सवाल कर लेती हूँ, और बड़े कम्फर्टेबल होकर जो है वो शाह साहब ने जवाब भी दिया। सर ये ख्वाबों का सिलसिला बड़ा शुरू हुआ, मुझे भी बहुत ख्वाब आते हैं ना, हर टेबल पर मेरा सुबह एक ख्वाब तैयार होता है, लेकिन अब लोग सुनते ही नहीं है मेरे ख्वाब, वो तो कहते हैं देखती रहती है। आपको आते हैं ख्वाब? बिल्कुल आते हैं ख्वाब, लेकिन इस तरह के नहीं आते। किस तरह के? वो हमारे एक ही हैं, हमारे सीनियर मिनिस्टर हैं, हमारे मेरा बड़े भाइयों की तरह हैं, मंजूर वसान साहब जी। वो ख्वाब देखते हैं और उनके काफी ख्वाब जो है उनकी ताबीर भी हो जाती है। हो जाती है, जबरदस्त। तो वैसे आते हैं आपको ड्रीम्स? आते हैं हाँ, मुख्तलिफ ड्रीम्स आते हैं। याद रहते हैं? नहीं याद, कम रहते। कभी आपने उनसे जिक्र किया कि आप तो ख्वाबों की ताबीर भी बताते हैं, मेरे भी किसी ख्वाब की ताबीर बता दें? नहीं, मैं अपने ख्वाबों की ताबीर उनसे नहीं करवाना चाहता। अच्छा सर कभी हाथ दिखाए, हाथों की लकीरें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको एज अ वो नहीं कि बिल्कुल उस पर अमल बिलीव करता हूँ, बिलीव करना या उस पर अमल ही कर दूँ जो वो लोग कहें, लेकिन ये मुझे शौक है बचपन से। अच्छा, वो स्केचेस और ये वो जितने एस्ट्रोलॉजर हैं उनके वो जो अपना डेट टाइम ये सारी चीजें बता के वो पूछना, फिर हाथों की लकीरों के स्केच दे के वो पूरा बनवाना है, तो बहुत पुराने पुराने भी मेरे पास बने पड़े हैं। वैसे भी जब भी कहीं मौका मिलता है तो मैं जरूर कोई एस्ट्रोलॉजर मिल जाए, कोई हाथ अच्छा हाँ लकीरें पढ़ने वाला, लेकिन वो एक उसको कोई उस पर ये नहीं है कि बस जैसे उसने कहा वैसे ही, अगर उसने कहा जी कुछ अरसे के बाद आपका तो ये खराब दौर शुरू आने वाला है तो मैं जाके चारपाई पे लेट जाऊंगे भाई अब ये हो गया, या कोई कह देगी जी अब तो आपको और बड़ा कुछ होने वाला है और मैं उसी खुशी में और कुछ काम करना शुरू करूं, नहीं, लेकिन ऐसे ही एक अच्छा, लेकिन हुआ जो आपने सुना वैसा हो भी क्या हो? देखें जी जो लकीरें हैं ना हाथ की, ये इनका एक पूरा सिस्टम है, स्टडी है, सिस्टम है, और उनमें कई चीजें जरूर होती है। राइट, और वो आप जब सुनते तो सर कलर्स भी लोग बहुत ख्याल करे होते हैं ना कि मेरी कामयाबी के लिए ये कलर है इस स्टार को, ये कलर नंबर दिन टाइम इस पे कोई ऐसा नहीं है। चीज हो बिस्मिल्लाह पढ़ लें, आप कलमा पढ़ लें, नादे अली पढ़ लें, सलवात पढ़ लें। सर आपका स्टार क्या है?
स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो हैं आप, ये तो बहुत ही आप देख लें स्कॉर्पियोज कौन होते हैं, बड़े मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं सर। सर लेकिन अगर कुछ अचीव करना चाहते हैं, मेरी अपनी बहन जो है वो स्कॉर्पियो है तो सर, मुझे पता है कि कितना मुश्किल होता है ऐसे लोगों को डील करना, लेकिन कमिटेड बहुत होता है। ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे ही है हर, देखें ये असरात जरूर होते हैं उनके, थोड़े बहुत जो है ना उनके होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं होता कि जिस तरह का स्टार बताया जाए और कहें कि जी उसकी सारी खूबियां या वो सारी चीजें उस स्टार वाले में होंगी, ऐसा नहीं है। तो ये तो आपके अपने अपने ऊपर भी डिपेंड करता है ना, डिपेंड करता है मुख्तलिफ चीजों पे। ये सर लाइफ में कोई रिग्रेट है? देखिए अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है और मैं आई एम ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह, और जो है उस पर राजी खुश राजी हूँ, और ऐसे कोई ऐसी चीज जहन में रखी नहीं कि जिसकी वजह से फिर आदमी परेशान हो और कोई ऐसी चीज हो कि ये हो, ऐसा कुछ। अच्छा पास्ट को छोड़ के आज में जीने वाले हैं, प्लानिंग करते हैं कल के लिए? एक प्लानिंग हर कोई सोचता है करता है, लेकिन मैं उस पर बिलीव नहीं करता। मैं बिल्कुल इस पे हूँ कि जो नसीब में है किस्मत में है वो जरूर मिलके रहेगा, लेकिन आदमी को मेहनत करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए। किस्मत जो है वो मेहनत की मोहताज होती है, जब तक आप हाथ में नहीं लेकर आएगा आपको स्ट्रगल जो है वो आपको खुद करनी पड़ती है। सर खास तारीखें होती है ना कुछ इंसान की अपनी जिंदगी की होती है, जैसे शादी की है, बर्थडे किया है, आपके बच्चे की, तो याद रखती है डेट्स? याद रखते हैं सारी डेट्स आपको याद रहती है? काफी हद तक। गिफ्ट वगैरह, गिफ्ट एक्सचेंज करने बिल्कुल होता है, सेलिब्रेशन भी होती है, करते हैं, होता है, याद रखते हैं। ऑलराइट, तो सर ये एक सवाल मैं आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट जानना चाहूंगी, मेरी तरह के बहुत सारे लोग होंगे जिनका शायद बैकग्राउंड पॉलिटिकल ना हो, लेकिन इंसान कभी ख्वाहिश करता है ना कि शायद हम भी सियासत में जाना चाहें, और एक आम आदमी को तो कहते हैं नहीं भाई तुम्हारा कोई काम नहीं है सियासत में, कोई सियासत में आना चाहे, कोई मिनिस्टर बनना चाहे, तो वो कैसे उस चीज को फॉलो कर सकता है, क्या करना होगा? उसको मेहनत करनी होगी, पॉलिटिकली लोगों की खिदमत करनी होगी, और ये तासुर गलत है कि सिर्फ बड़े लोग या जो बहुत जिनका बैकग्राउंड हो वही आते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी तरह दीगर पार्टियों में कई ऐसे लोग हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, और जब उन्होंने पार्टी टिकट पे आए, पार्टी लीडरशिप के साथ कमिटेड थे, अपने लोगों के साथ कमिटेड थे, उन्होंने इलेक्शन लड़ा और बड़े बड़े लोगों को उन्होंने हराया जिनका बहुत बड़ा बैकग्राउंड भी था। तो ये एक आपकी मेहनत है और किस्मत है, दोनों चीजें। लेकिन सर मेहनत बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का नसीब नहीं होता, जो उनको टाइम नहीं मिल पाता या मैनेज नहीं कर पाते वो, क्योंकि बाकी दीगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो बहुत ज्यादा होंगी। हर इंसान की अपनी एक सक्सेस स्टोरी होती है, दुनिया में बहुत सारे लोग आए जो आए अपनी जिंदगी गुजार के चले गए, लेकिन जिस तरह आपने कहा ब्लेस्ड है, आपको एक मिनिस्ट्री मिली, आप उनकी गोश गुजार करना चाह रहा हूँ कि अगर मुतमैन रहना है तो हमेशा नीचे देखें कि आपसे नीचे क्या है, अगर ऊपर देखें तो कोई भी मुतमैन नहीं हो सकता कि ये सिर्फ सबसे ऊपर अल्लाह की ज़ात है। और लेकिन आदमी को हर किसी के ऊपर कोई ना कोई बेहतर नज़र आती जाएगी, आदमी पहले आम है फिर वर्कर बनता है, फिर उसको MPA नज़र आता है, MPA के बाद MPA को मिनिस्टर नज़र आता है, मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर नज़र आता है, चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर नजर आता है, और ये सिलसिला आगे बढ़ता जाता है। लेकिन अगर आप अपनी मौजूदा जिंदगी से नीचे के लोगों को देखेंगे कि फिर आप मुतमैन रहेंगे और अच्छा खुश रहेंगे। तो अब हम आने वाले वक्तों में आपको कहाँ देख रहे हैं सब? ये तो अल्लाह को पता है, उसकी मेहरबानी से जरूर हमेशा मेहरबानी रही है, जहाँ मैं पहुँचा हूँ ये अल्लाह की मेहरबानी है, और दुआएं वालदा की, और जो भी हमारे अपने जो भी दुआ करते हैं, और मेहनत थोड़ी बहुत। लेकिन आप आगे अगर कोई गोल है तो बता दें, हम देखने वालों से कहूंगी आपके लिए दुआ करेंगे, हमें आपकी दुआओं की और आपको दूसरों की। बिल्कुल गोल यही है कि जितना वक्त भी हो इज्जत से गुजर जाए, ये अच्छी बात है, लोगों के दिलों में इज्जत रहे। बेशक बेशक, क्योंकि इंसान ने तो चला जाना है, शख्स गुजर जाता है इस दुनिया से, लेकिन उसकी जो शख्सियत होती है, जो उसने अपने किरदार के थ्रू लोगों में मनवाई होती है, वो उसके जाने के बाद भी जो है वो जिंदा रहती है। तो इसलिए शख्सियत बनकर जिए कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको अच्छे लफ्जों में आपकी शख्सियत को याद रख सकें। सर बहुत सारी दुआएं आपके लिए, नेक तमन्नाएं, शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने वक्त दिया, और सर कहा सुना माफ कीजिएगा। लेकिन आप तैयार रहें पार्टी में आने के लिए, आपके घर आ रहे हैं हम लोग।
बस ठीक आपको है। दावत देने चले जी, तो मैं भी अब झंडे वाली गाड़ी में जो है झंडा तो अभी आपको पीपल्स पार्टी का लगा देते हैं गाड़ी में, आपकी गाड़ी झंडे वाली हो जाएगी। मेरे ख्याल से अब मुझे प्रोग्राम को खत्म कर देना चाहिए। थैंक यू सो मच, मैं मेरी टीम आपकी बहुत शुक्रगुजार है, और मैं स्पेशली सर की पूरी टीम का भी शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने बहुत कम टाइम में हमें सब कुछ मैनेज करके दिया, और इंशाल्लाह होपफुली आगे भी सर से जो है वो जरूर कॉन्टैक्ट रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, सलाम पाकिस्तान।